Hello, my name is Shayanto Shingupto, and welcome back to another episode of Corporate Cricket Diaries powered by Capital Group. And as we all know, in this series, we interview some of the stalwarts from the field of corporate cricket who are just not into administration, but are avid cricket lovers and have played cricket too. So in this episode, we have invited a very special person from JSW Sports. Today, we have Mr. Ranjit Kumar Pillai, sir. Thank you so much, sir, for coming. Who is the Director of Operations and Special Projects of JSW Sports. So, a huge name in corporate cricket, a huge name in JSW Sports. So, thank you so much, sir, for coming. So, tell me, sir, how are you doing? Fine. I'm fine here. Thanks for inviting me. I look forward to it. It's a pleasure, sir. Yes, sir. So, sir, directly, let's quickly jump on to the interview. सर आपको क्रिकेट और स्पोर्ट्स में बहुत ही प्रेमता है. यू लव द स्पोर्ट, यू लव क्रिकेट. सो कुड यू टेक अस बैक, लाइक हाउ डिड योर फैसिनेशन फॉर द लव बिगिन? लाइक आप कब से खेलने स्टार्ट किए, आप कब से देखने स्टार्ट किए क्रिकेट, एंड व्हेन डिड योर लव फॉर द गेम बिगिन? मैं 4-5 साल का था. मैं घाटकोपर में रहता था. आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. मैं घाटकोपर में क्रिकेट का बहुत सारा माहौल था, एंड देयर वर लॉट ऑफ टीम्स, लोकल टीम्स प्लेइंग. So we had a big ground in front of our building. So 3-4 buildings के बच्चे मिलके खेलते थे ground. तो team का नाम भी 20th century team था, which was very famous in those days. So to aspire to play for that team was a big challenge, like to get into the team itself. So that's how the fascination began. And तभी से मैं वो जुड़ा हूँ cricket से. And it was हम लोग start किया तो tennis cricket से start किया था. तो school life से college time तक हम लोग टेनिस में खेले, टूर्नामेंट खेले, मैचेस खेले, सब हो गए. एंड देन वी स्टार्टेड, बाद में कॉलेज ज्वाइन करने प्लेजर में ज्वाइन किया. ज्वाइंट आरजे कॉलेज, जुबिन वाला कॉलेज, जिसमें क्रिकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंस था. दे कुड एनकरेज लॉट ऑफ क्रिकेटर्स. तो हमारा टीम ही बहुत बढ़िया था. हम लोग टॉप 4 टीम में आते थे हमेशा. मुंबई उदार रुया, नीति भाई एंड जुबिन वाला, ये 4 टीम्स वर बिग नेम्स इन मुंबई. तो वहाँ से वो क्रिकेट का ये हुआ, जर्नी स्टार्ट हुआ. Wow, so that's such a fascinating journey of your life, how you got into cricket, sir. So, talking about corporate cricket, आप JSW cricket team कब form हुआ था, sir? थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मैं join किया था 2007 में, and तभी उसके पहले भी team था, but वो suddenly एक दो साल बंद हो गया था for whatever reason. तो जब मैं join किया तो because मैं पहले भी जो company में था Procter & Gamble में मैंने चालू किया था. उसके पहले मैं Procter & Gamble में था, उधर भी मैंने cricket team चालू किया था. तो इधर आने के टाइम विद इन द नेक्स्ट फर्स्ट 2 मंथ्स में मैंने डिसाइड किया कि इधर चालू करना पड़ेगा, बिकॉज हमको तो खेलना है सैटरडे संडे. तो एंड मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग थे हमारे एज के ग्रुप, लाइक 40 प्लस थे वो लोग. बट वो लोगों को इंटरेस्ट बहुत था. ऐसा नहीं कि 40 प्लस हो गए, वो लोग रिटायर हो गए. तो दे वॉन्टेड टू प्ले, बट उनको एनकरेजमेंट या ये नहीं मिला था. बट सिंस आई वॉज, मैं एचआर में था, तो मैंने फिर वो इनिशिएटिव लिया और मैंने वो विद बजट भी साइन करवा के हमने फिर चालू करे. और हमने पहले टूर्नामेंट सरन टूर्नामेंट में हमारे एंट्री पहले कर दिया 2007, एंड वी वॉन द फाइनल एट दैट ईयर. ओह वाओ, इन योर डेब्यू टूर्नामेंट. या ओह माय गॉड, वंडरफुल. तो हम लोग के दर्शक जो भी देख रहे हैं, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि रंजीत सर ने खुद JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट चालू किया है. उनके पहले क्रिकेट नहीं था. सो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर रंजीत सर एंड फॉर JSW. Sir, like talking about cricket tournaments, आपने बताया कि आपका debut tournament में you won the cup. So, what are some of the major tournaments which you guys play in the cricketing fraternity and which you guys participate in? हम लोग fortunately और unfortunately हमारे जो team है उसका जो major players है, they are all 40 plus. तो हम लोग वो 50 over जैसे 70 overs के match नहीं खेलते. हम लोग mainly corporate में जो 20-20 events होते हैं उसमें part लेते हैं. एंड सरन टूर्नामेंट है जो 7-a-side 7 ओवर्स का है, दैट इज बीइंग गोइंग ऑन सिंस 1997 से वो टूर्नामेंट चालू है. तो हम लोग ने 2007 में ज्वाइन किया, एंड वी हैव प्लेड इन ऑल द इयर्स ऑफ दैट टूर्नामेंट. प्लस टाइम शील्ड में हमारा एंट्री होती है. टाइम शील्ड में वी वर इन, वी स्टार्टेड एफ डिवीजन, बट नाउ वी हैव प्रमोटेड टू ई डिवीजन. सो नाउ वी आर इन ई डिवीजन, बिकॉज दिस ईयर वो पेंडेमिक की वजह से हुआ नहीं टूर्नामेंट, बट नेक्स्ट ईयर अगेन वी विल स्टार्ट विद ई डिवीजन. आपस में बहुत सारे मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं. तो वी ऑल, आवर टीम, लाइक कॉर्पोरेट टीम, टेक्स पार्ट इन ऑल दिस इवेंट.
So the entire calendar year is dotted with a lot of sporting events and Yeah, a lot of correct. cricket tournaments. Yes, Yes. sir. Yeah. So, like, I wanted to ask you something when it comes to JSW Sports. So, एक तो रीजन है कि आपका लव है क्रिकेट के लिए. दैट इज वाई यू स्टार्टेड द स्पोर्ट. दैट इज वाई यू इंडक्टेड द स्पोर्ट इन योर कंपनी. बट वॉज देर एनी अदर विजन और रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग क्रिकेट? Like you wanted to achieve something, you wanted something which was beyond your love and passion for the game. तो फॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, जेएसडब्ल्यू में हमारा जो ओनर्स है, जो हम मिस्टर सचिन जिंदल जी बो सर बोलो या पार्थ जिंदल बोलो, दे देमसेल्फ बहुत ही पैशनेट है. वो राइट खुद स्पोर्ट्समैन है, दे टेक पार्ट इन ऑल द स्पोर्ट्स लाइक स्क्वाश बोलो, फुटबॉल बोलो. और जेएसडब्ल्यू एज ए ग्रुप कंपनी इटसेल्फ, उनका जो ये है फोकस स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा ही है. बिकॉज हमारे जितने भी प्लांट लोकेशन है सब में एक स्पोर्ट्स अकेडमी है. यू ओह विल वाह फाइंड ए स्क्वाश अकेडमी और क्रिकेट का विकेट होगा, वो भी एक तो बढ़िया विकेट, ऐसा नहीं कि जस्ट बना दिया और ऐसा नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर प्रॉपर विकेट होगा, ग्राउंड होगा. एंड अदर स्पोर्ट, ऐसा नहीं कि क्रिकेट खाली, सब स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है. बेलारी में जो हमारा मदर प्लांट है उधर, तो हमारा एक पोटेंशियल एक एक स्पोर्ट्स सेंटर है, हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, जहाँ हम लोग जो पोटेंशियल ओलंपिक अवार्ड विनिंग एथलीट्स है उनको हम लोग अडोप्ट करके वहीं रखते हैं, वहीं उनका ट्रेनिंग, खाना पीना, डाइटिंग, कोच, सब वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years है. एंड वी डेवलप देम. तो हमारे उधर वाह उस एकेडमी ओलंपिक, वी कॉल इट एकेडमिक ओलंपिक एकेडमी, उसमें से बहुत सारे ओके गोल्ड मेडल्स हमारे हमने स्पॉन्सर किया है. सो दैट इज वन थिंग. एंड सिंस वी हैव ए विजन एंड सिंस स्पोर्ट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर करिकुलम विद इन द ग्रुप, हम लोग बहुत सारे इवेंट को स्पॉन्सर भी करते हैं. लाइक इफ यू आस्क मी, वी आर ऑल्सो, यू मस्ट बी अवेयर दैट वी आर ऑल्सो ओनर ऑफ द दिल्ली कैपिटल टीम. या एब्सोल्युटली मिस्टर जिंदल आई हैज नो दैट ब्रॉट दिस टीम एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस आईपीएल ऑल्सो. सो यस वी हैव सर लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल, जो टीम सेलेक्ट होती है उनका साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत होता है. वी मीट देम रेगुलरली एंड वी टॉक टू देम. सो उसमें से हमको बहुत सारा, और बहुत सारे यंगस्टर्स को दे गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इन मीटिंग देम, टॉकिंग टू दिस इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड लर्निंग अ बिट बिट फ्रॉम देम, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. वाओ So that creates that what do you say, that agenda or what is that platform for people to aspire to play for the JSW team. This is incredible. I mean, there's so much international expertise and experience which is Yeah. coming on to your players, and it will not just be good for the players, but for all the other administrators and officials who are associated with JSW. So, Correct. sir, आपने ओलंपिक एकेडमी के बारे में बताया. Could you like shed some more light on that कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे आप लोग सिलेक्शन करते हैं? हाउ डू यू लाइक इज देयर एनी स्क्रीनिंग प्रोसेस विच थ्रू या विच यू वी हैव सिलेक्ट द प्लेयर्स? हमारा हमारा एक कंपनी है विच इज कॉल्ड जेजुली स्पोर्ट्स फाउंडेशन. उस दैट्स अ सेपरेट कंपनी एंड इट इज लेड बाय वन मिस्टर, रिस्पेक्टेड मिस्टर मुस्तफा, एंड ही टेक्स केयर ऑफ दिस एंटायर एकेडमी. एंड ही एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन दिस पैनल, ऑन दिस बोर्ड ऑफ दिस कंपनी. एंड दे चॉक आउट द प्लान फॉर द होल ईयर. They check out the plan for what potential. They do this talent hunting across the year. They go to this remote villages, pick up the potential candidates. Like example, like archery is a sport which India can definitely win a medal. So archery में भी हम लोग ने candidates को लिया है, potential sports people को लिया है, like potential athletes को लिया है, and we are training them. So it's not only just cricket. As I said, archery बोलो, squash बोलो, football बोलो, athletes everywhere. We have some people are representing JSW. We have So our you own guys football team. properly, You must be knowing the JSW Bangalore FC football team. It's exactly, one of the top two teams in the country now. yes, When it sir. comes to the football Premier League. So you guys are justifying the name of your company too. It's just not cricket, but in all other spheres of Yeah, sports it's too. the vision. Is the vision of our MD that we should our JSW should sponsor those candidates which will get gold medals for our country. So that's the Correct. vision he has. Yes, sir. And we just Absolutely. follow you. Yes, sir. Totally. Very nice. 100%. So, next question is about cricket only, sir. लाइक आपका कोई ऐसा परफॉर्मेंस, कोई वन ऑफ योर फेवरेट परफॉर्मेंसेस और योर फेव और अ सेट, नॉट डजंट हैव टू बी ओनली वन परफॉर्मेंस बट अ सीरीज ऑफ परफॉर्मेंसेस व्हिच यू हैव लाइक टक्ड असाइड एंड केप्ट इट एज योर फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरीज.
या फ्रॉम कॉर्पोरेट टीम। ऐसा है बहुत सारा मैचेस था कि तो मैं एक दो आई कैन रिमेम्बर वन और टू। एक था हमारा सरन में वन ऑफ द इयर्स वी वर इन द सेमीफाइनल एंड वी वर प्लेइंग विद हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर एंड दे वर वेरी ओके स्ट्रॉन्ग टीम। दे हैड वेरी गुड प्लेयर्स, दे हैड सम एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स ऑल्सो इन दैट। तो इट्स अ 7 आवर मैच, सो एंड ओनली 5 प्लेयर्स आर इन द ग्राउंड। सो फ्रॉम द एक्सेप्ट फ्रॉम द कीपर और बॉलर को छोड़ दो, 5 ही प्लेयर फील्ड में हो। उसमें यू कैन ऑलमोस्ट गो अप टू 100, 120, 130 एंड स्टिल यू विल बी इन प्रेशर बिकॉज सामने वाला टीम चेस कर सकते हैं। वैसा वैसा एग्जैक्टली टूर्नामेंट है वो, एग्जैक्टली, कोई भी तो टोटल सेफ नहीं है। हाँ सेफ नहीं है वैसा वैसा, और फॉर्मेट ही वैसा है क्रिकेट का। तो वी वर जस्ट 65 उस दिन, हमारा बैटिंग कुछ चला ना, वी ऑल फोल्डेड आउट इन 65 एंड दे वर इजली क्रूजिंग थ्रू। बट आवर बॉलर्स डिड, हमारा बॉलर बहुत अच्छा बॉलिंग किया, और फील्डर्स डिड अमेजिंग जॉब। एंड देन ओवर लास्ट ओवर में 6 बॉल में 8 रन चाहिए था एंड उनका जो मेन प्लेयर था वो उधर, मारियो बोलते हैं हम उसको, इज अ वेल नोन गाय अच्छा। इन क्रिकेटिंग कॉर्पोरेट क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ वेरी गुड प्लेयर। यस तो सर, मारियो वॉज यस सर, अराउंड द विकेट एंड इट वॉज जस्ट ए फॉर्मेलिटी बिकॉज 6 बॉल में 8 रन इन दैट फॉर्मेट कोई बड़ी बात नहीं थी, लाइक एक दो बॉल में हो जाता था। पर आई डोंट नो उस दिन मेरा लक अच्छा था, मैंने बॉलिंग मान के लिए, मैंने मुझे दे दो बिकॉज एनी वे वी आर गोइंग टू लूज सो लेट मी ट्राई। तो आई डोंट नो, तीन तीन बॉल डॉट गए और चौथा बॉल में आउट हो गए। एंड ओहो देन वाह, जो नेक्स्ट बैट्समैन आए उन्होंने भी 2 बॉल डॉट किया, तो दो हम लोग वो मेडन मैच विकेट ओवर, या मैडन विकेट में 8 रन से जीत गए। तो दैट वाज वन वेरी ओ गुड वाह, अचीवमेंट बिकॉज देर वॉज नथिंग इन द मैच, कुछ बचाने तो मैच में और हम हार ही गए थे। तो सडनली वो फाइट बैक बोलते हैं ना वैसा हो गया। या ऐसा और एक प्रॉपर मैच मैच में, फॉर द रिकॉर्ड या बुक्स। करेक्ट करेक्ट, एंड और एक मैच ऐसे 2020 का टूर्नामेंट था उसमें भी ऐसे हम लोग फाइनल खेल रहे थे। तो एक टीम का डायरेक्ट आई बोल के, दे आर इनटू दिस आईटी इंडस्ट्री एंड बहुत अच्छा टीम है उनका भी, तो उन्होंने हमको 120 में ये कर दिया था। हम लोग वी हार्डली डिड 120 रन उस दिन भी, हमारा अरे बैटिंग इतना कुछ नहीं हुआ था एंड देवर लाइक 91 पे 1 विकेट था एंड देवर एकदम आराम से जीत रहे लोग। इनफैक्ट उनके चार पांच छह प्लेयर लोग ने तो अपना व्हाइट शर्ट व्हाइट्स निकाल के अपना कैजुअल यूनिफॉर्म डाल के बैग भी पैक कर रहे थे बिकॉज दे फेल कि अभी तो जीतने वाले, 30 रन चाहिए, 9 विकेट हमारे हाथ में और कुछ 12 ओवर बचा था। तभी फिर मैं था और हमारा कैप्टन था और राकेश चौधरी बोल के, तो वी सेड ओके अभी पेस बॉलर तो चलने रहे, लेट अस ट्राई स्पिन, एनी तो हार ही रहे। तो हम लोग स्पिन चालू किया तो यू वोंट बिलीव, हम लोग ने मैंने 5 विकेट निकाला, उससे 4 विकेट निकाला विद इन द स्पैन ऑफ सम 8 ओवर्स। लाइक माय माई फिगर्स वर गॉड, लाइक, तो इट वॉज ए 9 विकेट्स ड्रामेटिक, इन 8 ओवर्स। या एंड इट वॉज अ ड्रामेटिक दिस बिकॉज मेरे 4 ओवर्स में कुछ 6-7 रन गए और 5 विकेट मिला। सेम थिंग वाह, उसका भी था, 4 ओवर में कुछ उसने 7-8 रन अनबिलीवेबल। गए और 4 विकेट। तो सच मैचेस आर लाइक आप भूल नहीं सकते ऐसे में। तो एकदम से सर, लाइक आई सेड द पीपल वर ऑलरेडी रेडी, दे हैड पैक्ड द किट एंड दे हैड रिमूव्ड देयर वाइट्स एंड दे वर पुटिंग देयर टी शर्ट्स एंड पुटिंग अट्रैक्शन टू गो होम, इतना तक तैयारी थी उनकी। सडनली दे हैड टू कम बैक इन देयर वाइट्स एंड रन टू द विकेट, ऐसा ऐसा सिचुएशन। इट वॉज ए फनी सिचुएशन बट बहुत बढ़िया मैच हुआ एंड द पीपल वॉचिंग दैट मैच वर वेरी थ्रिल्ड, वी वर वेरी थ्रिल्ड एंड इट वॉज ए बिग बिग सेलिब्रेशन आफ्टर द मैच। सो That is why they say it's never over till it's actually over, and you राइट guys करेक्ट simply put एग्जैक्टली proper meaning to that statement, sir. एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑल्सो कल्चर ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑलवेज कम अप अ लॉन्ग वे, व्हाटएवर करेक्ट द करेक्ट, इश्यूज वी आर ऑलवेज कमिंग आउट टू ग्लोरी, लाइक वी आर फाइटिंग आवर वे आउट, फाइटर मेंटालिटी, देयर इज नो फाइटिंग स्टॉपिंग एनीवन। मेंटालिटी। वो यस सर, बोलते हैं ना वी आर मैन ऑफ स्टील, वैसे हम लोग है, हमारे क्रिकेट टीम में एब्सोल्युटली वो है, वी आर मैन ऑफ स्टील, वी डोंट वांट टू लूज, वैसा एकदम है। से सर। सर, लाइक जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स नीड टू बी पुट इनटू प्लेस, राइट? लाइक ट्रैवल, बुकिंग, लाइक प्रैक्टिस ग्राउंड्स बुक करना, नेट प्रैक्टिस, किट्स, इक्विपमेंट, मतलब फाइनेंशियली वो फाइनेंशियल पार्ट वर्टिकल सर आप लोग कैसे मैनेज करते हो? हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर इटसेल्फ वी मेक ए बजट फॉर द होल ईयर। लाइक एग्जांपल क्रिकेट है तो क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस में कितना होगा, टूर्नामेंट के एंट्रेंस में कितना होगा, किट का कितना होगा, प्लेयर्स का ट्रैवलिंग क्या होगा, प्लेयर्स का खाने पीने का क्या होगा, सब का बजट बना के हम लोग स्टार्टिंग में अप्रूवल लेके रखते हैं।
ओके So once that approval is there and it is signed by the top management of the company, it's not that somebody just दे देते हमको करो, and करेक्ट they all are aware of it and they sign it as a very stringent process. And उसके बाद ही हम लोग we decide what once the budget is approved, then we take a call की what to plan, what how much tournament we should play this year, what which tournament should play this year, कहाँ travel करना है, कहाँ नहीं travel करना, कितना किट लेना है, वो सब हम लोग decide करके फिर then we go about it like. And that is managed by me and my colleague Mr. Nilesh Kohli is there. वो हमारा कैप्टन है हमारी टीम का, तो we both coordinate between each other and get it done. Oh wow. So like making a budget at the starting of the year and like working in tandem Yeah, with people is one of the main reasons you correct. guys handle the financial vertical. And हमारा CEO है मिस्टर शरद महेंद्र सर है, वो इज द सीईओ ऑफ और स्टील स्टील. And he's also और he is a very senior person and he is a wicket keeping captain also for our team. Oh So he's wow. there. He's also playing for the last 12 years. In spite of his busy schedule and travel and everything, he's so passionate that he doesn't want to miss a single match. And he is only passionate about his keeping. Like keeping करना ही है उसको. So there are days when he due to his travel, he has traveled early morning from the locations wherever he is there. Direct from airport, he has come to the ground and played. So he is like an inspiration for us. So we Proper just follow him. commitment. Yeah, proper commitment. Yes, sir. Absolutely. I mean, if such leaders like you and your CEO are Yeah. present, then everybody in the team will be motivated to Correct. perform. There's a lot of discipline and people लोग ऐसा हल्के में नहीं लेते हैं, because they know कि True. people we are serious. We are not just help us Correct. करने के लिए नहीं आए हैं. Exactly. So cricket as a sport, sir, cross marketing में help करता है? डेफिनेटली, बिकॉज इफ यू सी क्रिकेट का ये देखोगे तो एवरी ओवर एंड एवरी बॉल इज लाइक ए रन रेट. आपको एवरी ओवर में कुछ तो कुछ पाना करना ही है. वैसे सेल्स से मार्केटिंग में होता है, आपको एवरी डे कुछ ना कुछ तो टारगेट सेट करना ही है, सेट मीट करना ही है. तो लाइक फॉर ए मंथ अगर आपका टारगेट 30 दिन का है, तो एवरी डे यू नो वॉट यू अचीव एंड वॉट यू टू अचीव रेस्ट ऑफ द डेज. इट्स लाइक ए सेम प्ले 20 20 ओवर, इट्स वेरी फास्ट. आपका 26 दिन कैसा निकल जाएगा वो पता भी नहीं चल जाएगा. बट इफ योर अगर आप एंगेज हो और इन्वॉल्व हो एंड योर यू नो द रन रेट, व्हाट द रन रेट इज गोइंग ऑन एंड हाउ मच यू नीड टू हिट इन द कमिंग डेज, देन यू आर श्योर यू आर गोइंग टू श्योरली अचीव इट. तो क्रिकेट हैज एडेड दैट पर्सपेक्टिव, एक ऐड हुआ है हमारे थिंकिंग में. एंड आवर पीपल आर बोलते हैं क्रिकेट इज अ गेम है जहाँ बहुत सारा फ्लक्चुएशन है. सेम थिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, यू हैव लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन. So to encounter it without any stress and come out winning is what cricket has taught us. Oh So wow. I think वो एक बड़ा contribution है क्रिकेट की हमारे इसमें, कि हम लोग स्ट्रेस नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं भले लेता कितना ही करेक्ट. प्रेशर होना था कुछ भी लेते, बिकॉज ग्राउंड में वो निकल जाते हैं हमारा स्ट्रेस. तो आप जो मंडे टू फ्राइडे आप स्ट्रेस लेते हो, वो सैटरडे के दिन आप एक मैच खेल लो, आपका पूरा स्ट्रेस निकल जाता है. प्रॉपर एंड आई स्ट्रेस मीन इट, बस्टर बिकॉज एक्सरसाइज आई आई एम बस्टर. एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. लाइक वेन एवर आई प्ले ऑन सैटरडे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक ऐसा रहता है मंडे कब आ रहा है, मंडे कब आ रहा है, ये रहते हैं हमारा थिंकिंग, बिकॉज वी आर रेडी एंड द स्ट्रेस पूरा निकल गया. वाह कूल. सो लाइक क्रिकेट खेल के आप लोग स्ट्रेस निकालते हो एंड यू गाइस प्ले ऑन सैटरडेज एंड संडेज और लाइक ओनली सैटरडेज. सैटरडेज बिकॉज हमारा सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी होता है, तो 110 सैटरडे सेकंड फोर्थ तो मैच रहता ही है हमारा without any issue. And Sundays, if we are not, if the organizer is not able to schedule or make a second and fourth Sunday, then some of the Sundays we do play. True. Yes, sir. So you were talking about Mr. Jindal, who is the co-owner of Delhi Capitals too. So what like role does he play in JSW Sports? Like what is the designation he holds and his influence on the entire managing company? So he's the owner, he's the chairman of the company, no doubt. And he, as I told you, he himself is a very passionate guy when it comes to sport. So from his side, all the supports come on his own. And his son, Sepal, he's the owner of another two, three business within our vertical. Like he heads of JSW Paint, JSW Cement, and various other companies. So Correct. he in fact, there are a lot of days when he himself comes and joins us in the matches. So he himself is a very good bowler. He bowls with the new ball and he's a very good batsman also. So he himself comes and plays with us. So he knows the team in and out. He knows the players. We know him very well. So
that adds a lot of, because since he is coming to play, the people are also serious. We don't want to, like, people don't want to, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लोग मजाक मस्ती में खेल रहे हैं. तो बिकॉज द ओनर हिमसेल्फ इज देयर विद अस एंड ही हिमसेल्फ इज सो पैशनेट दैट ही कम बिफोर टाइम. ही डज हिज वार्म अप एक्सरसाइज एवरीथिंग विद अस इन ऑन द ग्राउंड. ही प्लेज विद अस. ही हैज द सेम फूड व्हाट वी हैव. ऐसा नहीं कि ही इज द ओनर तो कुछ स्पेशल फूड है, ऐसा कुछ नहीं. ही द सेम फूड व्हाट वी हैव, द सेम ड्रिंक्स ही हैज एंड देन ही प्लेज विद अस एज अ टीम मेंबर, नॉट एज अ ओनर, एज अ टीम मेंबर. एंड ही नॉट डजंट एज अ Like he doesn't throw, he doesn't want us to feel that he's the owner and we should all behave with him like a owner. He's like a player It's and all he's the a same on part the of the field. team. It's all the same on the team. That's the biggest quality what I would have a feeling that हमको तो ऐसा रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा ट्रीट करना है, ऐसा कुछ नहीं. तो दैट्स अ बिग थिंग अबाउट आवर क्रिकेट टीम. So when it comes to the players of the corporate team of JSW Sports, do you guys take players from outside or सिर्फ आपका जो कंपनी में काम करते हैं उनको ही लेते हो आप लोग? मेजोरिटी हमारा अंदर का ही होते हैं, बट सम पीपल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट वी में प्ले से। पे देम लाइक ऑन मैच बेसिस, बट दैट इज नॉट, वी डोंट प्ले प्लेयर्स फ्रॉम ऐसे ए डिवीजन बी डिवीजन का प्लेयर नहीं लेते. हम वैसे प्लेयर को लेते हैं जो कॉलेज लेवल में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. दे आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. तो हम लोग उनको ऐसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करके लेते हैं, चांस देते. दो प्लेयर लोग आप ले सकते हो, कोई भी दो प्लेयर को ले सकते हो. आपका कोई पर्सनल लर्निंग्स जो है फ्रॉम इंडिविजुअल, बिकॉज़ वी ऑल नो क्रिकेट इज जस्ट नॉट अ स्पोर्ट, मेजर लर्निंग्स एंड टेकअवेज फ्रॉम द स्पोर्ट? मेरा ये एज टोल्ड यू, एक तो है कि हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग, बट थैंक्स टू दिस क्रिकेट एंड बिकॉज इफ यू आर, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको फिटनेस बनाना है. तो ऐसा नहीं कि आप सैटरडे जाओगे और फिट हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है. तो बच्चे करेक्ट। वो 5 दिन में आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना है, तो वो आपका फिटनेस लेवल को ऐड करते हैं. दैट एड्स टू योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो बिकॉज यू आर मेंटली फिट. अगर आप हेल्थ हेल्थ एक्सरसाइज करते हो डेली, इवन इफ यू आर डूइंग हाफ एन आवर भी, तो आपका मेंटल जो ये होता है शार्पनेस रहता है वो कायम रहती है. वो एक है. सेकेंड थिंग, एज आई टोल्ड यू, आप जब ये क्रिकेट ऐसा एक गेम है जहाँ इतना फ्लक्चुएशन होता है कि यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ एंड करेक्ट आपको गेम में करेक्ट रहना है और गेम के अंदर फ्लक्चुएशन को हैंडल करना है. देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसा हो सकते हैं. लाइक कोलैप्स हो जाएगा आपका, या बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया, फील्डर फील्डिंग नहीं चल रहा है किसी. सो यू हैव टू कम विद लॉट ऑफ इनोवेटिव और थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स. कि सडनली आपको डिसीजंस लेना है, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेना है. तो दिस ये सब चीजें आपका कॉर्पोरेट लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है. बिकॉज इन ए कॉर्पोरेट लाइफ योर, व्हाट इज योर कॉर्पोरेट लाइफ, इट्स ऑलवेज अबाउट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. आपका आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को आना चाहिए और आपका थिंकिंग होना चाहिए, फोरसाइट होना चाहिए एंड आपको जो स्ट्रेस है वो आपको मैनेज करना है और आपको टीम को लीड करना है. तो अगर आपको टीम को लीड करने में सक्सेस है गेम में, तो ये 100% आप आपके टीम को भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीड कर सकते. प्लस इस गेम से मेरे पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे लिए बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स डेवलप हुआ है ऑन ए पर्सनल बेसिस. लाइक आई हैव मेट ऑलमोस्ट ऑल द क्रिकेटर्स, ऑलमोस्ट एवरीबडी. लाइक देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स, लाइक सीनियर प्लेयर्स, मुंबई रणजी ट्रॉफी, लाइक अमित धानी, अमित धानी सर है हमारे, वो भी हमारे जेएसडब्ल्यू क्रिकेट से बहुत जुड़े हुए हैं. ही वॉज कोचिंग सम ईयर्स बैक एंड ही इज ऑल्सो इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस एंड ही ऑलवेज कम्स टू सी योर मैचेस, प्रोवाइड अस सम इनपुट्स, ही डज गिव अस सम आइडियाज. तो ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट रखने से, ही इज ऑल्सो इन ऑन द क्रिकेट इंप्रूवमेंट कमिटी ऑफ मुंबई रणजी टीम नाउ. सो ऐसे लोगों से जुड़े रहने से यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, यू गेट टू नो लॉट ऑफ इंसाइट्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एट दैट लेवल ऑफ क्रिकेट. सो दैट विच यू कैन रेप्लीकेट इन योर थिंकिंग और इन योर टीम. तो मेरे लिए वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका नजरिया गेम को देखने का, आपका जो लोगों से किस्से सुनने का क्या हो रहा है. लाइक सचिन तेंदुलकर ने ऐसा सिचुएशन में क्या किया, या अभी का कैप्टन है अपना सुरेश अय्यर ने क्या बोला उनको ऐसा सिचुएशन में क्या, या सचिन अपना सुनील गावस्कर एक इंटरव्यू में क्या बोले, ये सब जब हमको सुनने मिलता है तो इट्स इट्स अ लर्निंग फॉर अस.
ट्रू, वी आर हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद क्रिकेट इन ए बिग वे। या एग्जैक्टली विदिन सर आवर टीम ऑल्सो आई विल जस्ट एड, विदिन आवर टीम ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स लाइक राकेश चौधरी, राजेश पिंगुलकर है, हरीश कदम है, कीर्ति सोडा है, दे आर ऑल बींग पिलर्स ऑफ आवर टीम। शरद महेंद्र हिमसेल लाइक आई टोल्ड इज अ कीपर बैट्समैन, एंड दिस पीपल आर रियली बीन द पिलर्स ऑफ द टीम ऑल दिस ईयर। दे आर स्टिल विद द टीम एंड दे आर प्लेइंग ऑन एवरी वीक बेसिस, दे डोंट वॉन्ट टू मिस अ सिंगल मैच। सो दिस प्लेयर्स ऑल्सो हैव एडेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू दिस करंट एनवायरमेंट व्हाट वी हैव इन चेज़बी। Yes, sir. So it seems you have a lot of learnings and takeaways from this sport. Yeah. And so we've come to the end of the interview. And बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए. And I hope you had fun today. And definitely. Thank you so much, sir. Thank you for coming in our show today. Thanks. Thanks a lot.